हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपका रिश्ता सही है? आज हम कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे। क्या आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है? मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। बोथ मस्ट शेयर सिमिलर फ्यूचर गोल्स। अच्छे रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी से भी बढ़कर कुछ होना चाहिए। आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, पर अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए तो आपका सिमिलर विजन होना चाहिए फ्यूचर के लिए। सेम डायरेक्शन पर मूव करना चाहिए दोनों को। जैसे दोनों को नेचर पसंद है और दोनों कुछ करना चाहते हैं नेचर को लेकर, या ट्रैवलिंग पसंद है एंड न्यू थिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसे आप दोनों सेम डायरेक्शन पर ग्रो होते हो। पर अगर दोनों का विजन डिफरेंट हो फ्यूचर के लिए, तब क्या होगा? कितनी भी चीजें कॉमन हो आप दोनों में, पर अगर आप दोनों डिफरेंट चीजें चाहते हो लाइफ में तो डिफिकल्ट है। एक सेटल होना चाहता है, दूसरा ट्रेवलिंग और एक्सप्लोर करना चाहता है। एक को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है कि अगर दोनों के गोल्स डिफरेंट हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। काफी सारे कपल्स कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों सेटिस्फाइड रहते हैं अपने अपने गोल से। काफी सारे कपल्स सेपरेट गोल को परस्यू करते हैं और कुछ वे आउट ढूंढते हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सिमिलर गोल्स का ये मतलब नहीं है कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग है, बट ये आपको फ्यूचर में साथ ले आता है और आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। बोथ एक्सेप्ट ईच अदर इन ट्रू सेंस। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पार्टनर डिफरेंट लाइफ जीते हैं और ये लगा हो कि आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे? ये एक कॉमन फीचर है शॉर्ट और अनस्टेबल रिलेशनशिप का। आप विश करते हो कि आपके पार्टनर अपने तरीके चेंज करें, आपके अकॉर्डिंग चले, जैसे पर्सन आप चाहते हो वैसे बने। आप सोचते हो वो बस ऐसे बन जाए, ऐसे पर्सनैलिटी हो, तभी मैं प्यार कर पाऊंगी। पर वो कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे और आपको ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जो पार्टनर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रहते हैं वो एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं। जब आप किसी को प्यार करते हो तब आप उसे चेंज नहीं करते। आप एक दूसरे को एनकरेज करते हो आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको अपने इशारों पर नचाते हो। बोथ पुश ईच अदर फॉर देयर सक्सेस इन लाइफ। क्या आप एक दूसरे को पुश करते हो? मैं जानती हूँ कि स्ट्रॉन्ग कपल एक दूसरे को प्यार करते हैं जैसे वो हैं वैसे ही, पर वो एक दूसरे को पुश करते रहते हैं ग्रो और इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज आपसे ज्यादा कोई और आपके पार्टनर के सक्सेस से खुश नहीं होगा। आप चाहते हो कि उसे खुशी मिले, वो अपने गोल को अचीव करे, वो स्ट्रांग बने, हैप्पी और कॉन्फिडेंट पर्सन बने। आप उसे कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते जो वो नहीं करना चाहते। इन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप पार्टनर्स कभी भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, ना ही मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे के डिसीजंस को। इवन वो इनकरेज करते हैं अपने पार्टनर को उस काम के लिए जो वो नहीं कर पा रहे होते हैं। वो एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनते हैं बिकॉज यू बोथ वॉन्ट द बेस्ट फॉर ईच अदर। बोथ ऑलवेज कीप देयर रोमांस अलाइव। स्टार्टिंग में हर कपल फिजिकली एक्सप्रेसिव होता है, नई नई चीजें जानते हैं एक दूसरे के बारे में और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। पर कुछ टाइम के बाद काफी सारे कपल्स में फिजिकल अफेक्शन खत्म हो जाता है, जैसे कि हग्स, किसेस, होल्डिंग हैंड्स, ऐसे लिटिल जेस्टर्स खत्म हो जाते हैं रिलेशनशिप में। पर जो स्ट्रॉन्ग कपल होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वो अपने प्यार को बरकरार रखते हैं एक दूसरे के लिए। वो फिजिकल अफेक्शन शो करते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी कीप द रोमांस अलाइव। ये याद करवाती है एक दूसरे को कि आप अभी भी अट्रैक्टिव हो, इसलिए आपको हमेशा प्यार को एक्सप्रेस करना आना चाहिए इन फिजिकल फॉर्म, बिकॉज द बेस्ट कपल कीप द रोमांस अलाइव। बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजंस। आपके रिलेशनशिप में कौन है जो हर चीज को कंट्रोल करता है?
क्या एक ही पर्सन सब डिसीजन लेता है? पर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कंट्रोल हमेशा म्यूचुअल होता है। कभी भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल नहीं करता, ना ही कोई एक डिसीजन लेता है, ना ही कोई एक पार्टनर कुछ चूज करता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कपल्स हमेशा डिसीजन साथ लेते हैं जब भी कुछ होता है लाइफ में। तब लविंग पार्टनर्स वर्क हार्ड टू कम्युनिकेट, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। Both know how to handle each other aggression. हर कपल में लड़ाई होती है, रिलेशनशिप शॉर्ट हो या लॉन्ग रिलेशनशिप। आप कभी ना कभी डिसएग्री तो होते ही हो किसी ना किसी बात पर, एक दूसरे को गुस्सा दिला ही देते हो। पर जो स्ट्रॉन्ग कपल होते हैं वो गुस्से को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। शॉर्ट और अनस्टेबल रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट आपको अलग कर देता है। आपको एकदम से रियलाइज होने लगता है कि आपने जैसा सोचा था आपके पार्टनर वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देता है आप दोनों में। पर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, चाहे जो भी हो जाए, वो जितना भी गुस्सा दिलाए आपको, वो चाहे जितनी भी स्टूपिड चीजें करे, स्टूपिड मिस्टेक करे, पर आप अपनी लाइफ उसके बगैर नहीं सोच सकते। आप उसे गुस्से में भी प्यार करते हो। यही प्यार एक दूसरे को माफ करना सिखाता है। Both never exaggerate each other flaws. Starting में हर कोई अपनी कमियों को छुपाता है एक दूसरे से, weaknesses, bad habits, हर चीज को, क्योंकि आप embarrassed नहीं होना चाहते हो। आप अपना best version दिखाना चाहते हो जो confident, attractive and interesting है। पर जैसे जैसे relationship develop होता है, आप एक दूसरे की डिफरेंट साइड्स को देखते हो, आप अपनी वीकनेसेस को एक्सपोज करने लग जाते हो। आप चाहते हो आपका पार्टनर सब जाने और आपको गार्ड करे, और आप अपने पार्टनर के साथ सेफ फील करते हो। ये जरूरी भी है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में। और अगर आप अपने पार्टनर के सामने खुद को छुपाओगे तो आप फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल डिस्टेंस फील करोगे, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तब हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी अपनाते हैं। अगर आपके पार्टनर को आपकी ट्रू साइड नहीं पता होगी तो आपका रिलेशनशिप कभी ग्रो नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, अनस्टेबल रिलेशनशिप में पार्टनर्स हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को। जब भी वो लड़ते हैं तो उनका गोल इम्प्रूवमेंट लाने का नहीं होता अपने रिलेशनशिप में, वो हर्ट करते हैं एक दूसरे को। पर स्ट्रॉन्ग कपल्स ऐसा नहीं करते, वो एक दूसरे को कभी भी हर्ट नहीं करते, ना ही वो क्रिटिसाइज या इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की, ना ही रिवेंज लेते हैं। वो फॉरगिव कर देते हैं एक दूसरे को और आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव योर लाइफ। थैंक यू।